Assalamu alaikum level 3, how are you all? I hope you all are fine and taking care of yourself. So today we will read My Early Home, your English chapter number 3. So for this you have to open your page number 26, take out your pencils and let's move toward the reading. So here is your page number 26 and My Early Home, mera purana ya mera pehla ghar ya mera shuru wala ghar. जैसे कि हमारा होम टाउन होता है, दिस इज अर्ली होम, माय अर्ली होम. सो टुडे वी विल रीड द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एंड योर पेज नंबर 26. सो लेट्स रीड फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड. वर्ड इट्स बॉक्स. बॉक्स मीन्स डब्बा. यहाँ पे बॉक्स मतलब हिट, यानी कि बॉक्सिंग वाला जो होता है ना, जो मुक्का मारना या हिट करना, दिस इज बॉक्सिंग वाला बॉक्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज ब्रूक, अ स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी सी नदी. ओके. नेक्स्ट इज कॉल्ट. कॉल्ट अ यंग मेल हॉर्स, एक छोटा नर घोड़े का बच्चा, यानी घोड़ा, एक छोटा सा घोड़ा. द नेक्स्ट इज गैलप. गैलप, द गैलप इज द फास्टेस्ट पेस ऑफ द हॉर्स, यानी कि जब घोड़ा बहुत तेज तेज भागता है, दिस इज कॉल्ड गैलप. द नेक्स्ट इज गिग. गिग इज अ लाइट टू व्हील कैरेज, यानी कि एक ऐसा व्हीकल होता है ये जिसको हम उठाते हैं, इसको हम कहते हैं टिमटिम गाड़ी, जिसपे हम सामान लोड करते हैं, टिमटिम गाड़ी. द नेक्स्ट इज लॉगिंग. लॉगिंग मीन्स लिविंग स्पेस, यानी कि कयाम की जगह, लॉगिंग. द नेक्स्ट इज मेडो. मेडो मीन्स अ ग्रास कवर्ड फील्ड, यानी कि एक चरगाह जहाँ पे ये जानवर चरते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज plow. plow. plow is to dig up an area to make it ready for planting, यानी कि हल चलाना, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम हल चला देते हैं और वो फिर रेडी हो जाती है किसके लिए, प्लांटिंग के लिए. द नेक्स्ट इज rushes. rushes आर द काइंड ऑफ प्लांट्स, ये एक टाइप होती है प्लांट्स की. ठीक है. दिस इज कॉल्ड rushes. एक होती हैं bushes, झाड़ियाँ, एक होते हैं rushes. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्लांट. वेल ब्रेड. वेल ब्रेड मीन्स हैविंग और शोइंग गुड मैनर्स, बींग ऑफ गुड क्वालिटी, यानी कि एक अच्छी नस्ल. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अच्छी नस्ल का घोड़ा. द नेक्स्ट इज विंड. विंड मीन्स पास्ट टेंस ऑफ विनी, अ नॉइस हॉर्स में, जो घोड़ा एक आवाज निकालता है मिनमिनाने की, दिस इज कॉल्ड विने. सो लेट्स मूव टूवर्ड द चैप्टर. द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मिडो with a pond of clear water in it. वो कहते हैं पहली चीज़ जो मुझे याद है, ये कौन बता रहा है, राइटर बता रहा है अपने अर्ली होम के बारे में. अब जैसे मैं आपसे पूछूँ कि आपको याद है जब आप बचपन में कहाँ रहा करते थे, तो आप लोगों को याद आएगा, अच्छा वो एक घर था, अगर कोई कहीं शिफ्ट होके यहाँ पर आया हो वापस, तो यू माइट नो अबाउट योर अर्ली होम. सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्ली होम. वो कहते हैं द फर्स्ट प्लेस, पहली जगह जो मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, वो एक बहुत खूबसूरत सा मेडो था, यानी कि चरने वाली जगह थी, ग्रीनरी होती है वहाँ पे, ग्रास होती है. उसके साथ क्या था, एक पॉन्ड था, साफ सुथरे वाटर का एक तालाब बना हुआ था. सम शेडी ट्रीज लीन ओवर इट, कुछ छायादार दरख्त जो थे वो उसके इर्द गिर्द थे. एंड रशेस एंड वाटर लीलीज ग्रू एट द डीप एंड, वो कहते हैं कुछ पौधे और कुछ वाटर लीलीज, एक फ्लावर को कहते हैं, ठीक है. वो कहते हैं वो किसके अंदर थे, वो उसके अंदर, उस तालाब के अंदर उगे हुए थे. ओवर द हेज ऑन वन साइड वी लुक्ड इनटू द प्लो फील्ड, वो कहते हैं एक तरफ जो है वो हल चलाया हुआ खेत था. एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर अ गेट एट अवर मास्टर्स हाउस, और दूसरी तरफ क्या था, एक दरवाजा लगा हुआ था जो कि उसके मास्टर के घर की तरफ जाता था, उसके मास्टर यानी कि सरदार की तरफ. विच स्टूड बाय द रोड साइड, जो के सड़क पर भी निकलता था. एट द टॉप ऑफ द मेडो वॉज अ ग्रोव ऑफ फायर ट्रीज, वो कहते हैं कि इसके ऊपर एक झुंड था दरख्तों का. एंड एट द बॉटम अ रनिंग ब्रूक ओवर हंगा बाय अ स्टीप बैंक, वो कहते हैं कि उसी के इर्द गिर्द जो है वो एक नदी बह रही थी. While I was young, मैं उस वक्त छोटा था, I lived upon my mother's milk, मैं अपनी माँ का दूध पिया करता था. As I could not eat grass, जैसे कि मैं घास नहीं खा सकता था. Students, अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ है कि ये किसकी स्टोरी है. Can you guess ये स्टोरी किसकी हो सकती है? Yes, it is the story of the colt. ये एक
घोड़े के बच्चे की कहानी है. ही इज टेलिंग अबाउट हिज अर्ली होम, कि उसका पहला घर कौन सा था. इन द डे टाइम, दिन के टाइम, आई रैन बाय हर साइड, मैं उनके साथ भागता था. एंड एट द नाइट, और रात के टाइम, आई ले डाउन क्लोज बाय हर, मैं उनके करीब लेटता था. When it was hot, जब गर्मी होती थी, we used to stand by the pond in the shade of the trees. हम नदी के किनारे खड़े हुआ करते थे. किसके किनारे? किसके नीचे? साए के नीचे, दरख्तों के साए के नीचे. And when it was cold, और जब ठंड हुआ करती थी, we had a nice warm shed near the grove. हमारा एक अच्छा सा सायादार सी जगह बनाई हुई थी, शेड डाल के बनाया हुआ था. क्या उसको खड़ा, वहां पे खड़ा होता था वो. As soon as I was old enough to eat grass, जैसे ही मैं इतना बड़ा हुआ कि मैं घास खा सकूं, my mother used to go out to work in the daytime. मेरी माँ जो है वो क्या करती थी, बाहर काम करने के लिए चली जाती थी. And came back in the evening, और शाम में वापस आती थी. There were six young colts in the meadow beside me. मेरे साथ जो है उसी जगह पर छः और छोटे घोड़े भी थे. They were older than I was. वो मुझसे बड़े थे. Older कहते हैं बड़े को. Some were nearly as large as grown up horses. और कुछ जो थे वो बड़े बड़े घोड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे. So this is end for today. We will read the remaining chapter tomorrow. Take care. Allah Hafiz.